आशिक हूँ मैं। खाना तो बहुत सारा था वहाँ पे और हमारा पेड है डिनर, बट दिक्कत इतनी सी हो गई कि ना, तो भाई भाई लोग क्या हुआ हमारे साथ के ना, हम लोग बहुत लेट उठे और ऑब्वियसली हम सो ही नहीं है कल से, सब चीज़ थी तो खाने का टाइम 10 बजे तक था और 10 बज गए ऑलरेडी, तो हमें सब कुछ पैक करवा के ले जाना पड़ा जो कि हमें बहुत रिक्वेस्ट पे मिला है, मिल नहीं जाता हमें ना, है ना भाई। हमें बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि भाई एटलीस्ट खाना तो दे दो, तो हम पे कर चुके हैं भाई, हमें बस इतना दे दो कि हम एक प्लेट लगा के अपने साथ ले सके, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो हम उज्जवल भाई को छोड़ाए थे वहाँ पे बैठे हुए, आशिक हूँ मैं, पागल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। भाई लाइन आ नहीं रही, गाता मैं जाने। तो जस्ट अभी गाने भी बंद हो गए क्योंकि 10 बज गए हैं, आई थिंक एक ऑनेस्ट रिव्यू बनता है तो वो कल देते हैं, अभी हम इंजॉय करते हैं, अगर दिखाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, तो कल मिलते हैं। तीनों चारों की हमारी हालत ख़राब हो रही है, एक विकेट गिर चुका है, वो बंदा अंदर डेड पड़ा है, सो रहा है, उल्टी कर चुका है 3-4 बार, और ये बैठे हैं भाई, ये बैठे हैं, बाकी जंगल में मैं अकेला, पर याद मुझे कुछ रहता नहीं, बैठा नहीं स्टूडियो में जब से मैं कुड़ियों में, बातें मेरी गलियों में, पार्टियों में ज़्यादा, पढ़े लिखों में कम, पढ़ लिखा मैं क्या लगूँ ज़्यादा, सांवला मेरा रंग इसके आगे नहीं आता। अपन दो लोग ही बचे हैं, एक ही अपना भाई साथ दे रहा है तब से, बस थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने का मांग लेता है और बाकी हमारी हिफाजत कर रहा है। हाँ, ये बता देता है लेफ्ट राइट में कोई दिखता है ना, सब अच्छे बुरे से ये अपने सेफ पॉइंट पे पहुंच जाता ऊपर। हाँ, वहाँ पहुंच जाता ऊपर और भाई वहाँ से भौंकता है तेज है। ये किसकी तरह है, हमारे ऑफिस में कौन है वो? अरे ब्रदर, कहीं घूम के आए क्या? हाँ घूमने जा रहा, कहीं घूम के आते हैं आसपास, देख के आते हैं क्या चल रहा है अभी इस टाइम पे। अब 3 ही तो बज रहे हैं, अब बाहर मिल गया कुछ पे चीता वीता को। भाई कुछ भी मिल जाए, एक ही शर्त है बस, भागना नहीं है वहाँ से, ना तू भागेगा ना मैं भागूंगा। हाँ बस, रनिंग के दोनों नाश्ता। हाँ चाहे नाश्ता हो नहीं चाहे कुछ भी, पक्की बात है, पक्की बात है भाई। चल चलो, हो गया बस, दो मिनट चलो, ठीक है भाई चलते हैं। वैसे तो व्लॉग देख के बहुत गाली पड़ने वाली घर पे, बट चलते हैं। मैं प्रॉपर्टी से बाहर या प्रॉपर्टी में ही? प्रॉपर्टी के बाहर नहीं जा रही यार, ज़्यादा खतरा हो जाएगा, अंदर देख लेते, टू मच रिस्क। ऐसा अंदर तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, नहीं प्रॉपर्टी खुली हुई है ना भाई। हाँ ऐसे तो चार भाई, अब यहाँ तो सारी ऐसी होती हैं, चारों तरफ से खुली मिलेंगी आपको। थोड़ा ही आगे आए थे बट मिशन अबॉर्ट हो चुका है। कुछ तो था जो बहुत जोर से हिला, मेरे हिसाब से तो मेंढक ही होगा, मेंढक ही होना चाहिए, होना चाहिए मेंढक ही होना चाहिए भाई, भाई थोड़ी सी फटी पड़ी है गाइस। भाई मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि रूम के बाहर ही जा सही है बस, वीडियो क्यों हुआ एंटर। हां तो भाई रास्ते से आएंगे शायद भाई। बात कर रहे हो रास्ते में ना, रात में ऐसे घूमना नहीं चाहिए। हाँ भाई सही है, रूम में चलते हैं। अच्छा भाई अब सोचो जैसे ये बाउंड्री है भाई, तुमसे कूद के आ जाए सामने, क्या ही कर लोगे तुम? मेरी क्यों कह रहा है? मैं तो भाग जाऊंगा ना। ओ भाई गर्दन नहीं पकड़ने, ओ भाई 3 मिनट में वापस आए, आईएस था ये अभी तक, 3-6 पे निकले थे, 3-9 पे। Hello.
आ गए भाई हम नेक्स्ट चैलेंज लेके। ठीक है भाई, 3 चांसेस इस वाइट वाले से मारनी है, जिसने ज़्यादा मारी वो विनर। ठीक है, 3 चांसेस में तो फिर हो जाए। पहले विशाल भाई, ओ रेडी शेडी हो गए हैं, चलते हैं अभी जा रहे हैं स्विमिंग पूल में। ये लोग तो गेम शुरू हो चुका है, बॉल जो भी कैच करने से छोड़ देगा उसे ऐसे ही फेंका जाएगा। ठीक है, आउटफिट चेक रेडी। तो निकल रहे हैं भाई लोग, अब आपको द मोस्ट अवेटिंग पार्ट जो आपका था मैं आपको दिखा देता हूँ, रिजॉर्ट रूम सब चीज़, और फिर हम इसकी प्राइसिंग और बाकी सब चीज़ों की एक बार इन डिटेल या इन डेप्थ ऑब्वियसली नहीं बात करने वाले। तो रेडी भाई, सब रेडी हो गए हैं। ये बंदा डेड है अभी भी। तो ये रूम है छोटा सा, ये इनकी प्रीमियम कैटेगरी है। ठीक है, डबल बेड साइड में हमारे इन्होंने 2 गद्दे डाल दिए थे, एक इधर एक इधर, तो उसके बाद भी काफ़ी जगह बची हुई थी। ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है उस हिसाब से। टीवी एसी रूम्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, बाथरूम वगैरह भी काफ़ी ठीक है, छोटा फ्रिज मस्ट नीडेड। तो ये हो गई रूम की बात, चलते हैं और चल के जल्दी से करते हैं हम तो जल्दी से आपको रिजॉर्ट दिखा देते हैं, फिर करते हैं उसके बारे में बात। ये है अपना लॉन जहाँ पे अपन कल क्रिकेट खेल रहे थे, और ये है प्रीमियम कैटेगरी के रूम। ये 2 बिल्डिंग हैं जहाँ पे प्रीमियम कैटेगरीज के रूम हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, 2 ऊपर 2 नीचे। मेन मतलब गेमिंग स्पोर्ट्स का यही है जहाँ पे टीटी खेले थे हम सुबह। और ये रहा अपना एरिया स्विमिंग पूल वाला, यहाँ पे गाने बजते रहते हैं दिन में शाम तक जब तक स्विमिंग पूल चलता है। ये भी आपने देख ही लिया होगा हमारे वीडियो में। ठीक है, और वो जो हट है वो हमारा डाइनिंग एरिया था। अब लेट मी वॉक यू टू दी रिसेप्शन एरिया एंड द मेन एरिया, जो हमने मोस्ट प्रॉब्ली अंदर आते हुए दिखाया नहीं होगा। इट इज़ ये इनका एक वॉलीबॉल कोर्ट कम बैडमिंटन कोर्ट है। नेट अभी ऊपर कर दिया है, वैसे नीचे रहता है बट क्योंकि खेलने रहा इसलिए ऊपर कर दिया है। और ये थ्रू आउट द एले, जो थ्रू आउट द रास्ता है यहाँ पर पूरे में, इनके एक कॉटेजेस हैं। शॉप थी यहाँ पे कॉर्बेट नीचे शॉप, वहाँ से मैंने लिया मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट। तो इस ढलते सूरज के साथ हम लोगों का भी व्लॉग यहीं पे एंड होता है भाई। सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मैं एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ प्रॉपर्टी के बारे में। हमें ये रूम पड़ा था ऑलमोस्ट 10,000 का, जिसमें हमारा इंक्लूडेड था लंच ब्रेकफास्ट डिनर, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ही नहीं था, क्योंकि डिनर की टाइमिंग थी 10 o'clock तक बुफे सिस्टम था, तो आप रूम में नहीं ले जा सकते थे, जो कि चीज़ मेरे को थोड़ी सी बेकार लगी। प्लस थोड़ा हमें प्रॉपर्टी एवरेज, बिलो एवरेज लगी, एवरेज लगी हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी एवरेज लगी एज कम्पेयर टू अदर प्रॉपर्टीज जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे विजिट कर रखी है, जिनके आगे व्लॉग्स आएंगे। और रूम्स अच्छे थे, आई वुड स्टिल से रूम अच्छे थे, बाकी सब मतलब आप देख सकते हो व्लॉग में। बट हाँ, ये है ऑब्वियसली अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आते हो या फैमिली के साथ तो आप इन्जॉय कर सकते हो अनलिमिटेड, जैसे कि हमने किया, तो हमने तो बहुत मज़े करे हैं। बट आई वुड स्टिल से कि आप
देख सकते हो कोई और प्रॉपर्टी मिलती है तो। और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो कमेंट करके बेस्ट पार्ट बता दो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आल्सो कमेंट एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स डालता हूँ तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा। Check the mic and make sure it sound right, boys.